दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेकबिन ऑनलाइन में। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे जैसा कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे तीन तरीकों से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। पहला ब्रांडेड प्रोडक्ट, दूसरा लोकल या जेनरिक प्रोडक्ट, और तीसरा अपने खुद के ब्रांड से। ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे कि नाइकी, एडिडास, रीबॉक शूज़ में ले लो तो ठीक है, ये सब ब्रांड्स हैं। अगर आप ब्यूटी एंड परफ्यूम्स में लेंगे तो एक्सडीओ हो गया, एनवीडीओ हो गया, रेवलॉन हो गया, लैक्मे हो गया, ये सारे ब्रांड्स हैं। आप इन ब्रांड्स को ऐसे ही सेल नहीं कर सकते, आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा। इन कंपनी की तरफ से आपको एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा, तभी आप ये सारे ब्रांड्स सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो कि है जेनरिक प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट। ये आप सेल कर सकते हैं। सपोज करो ये पेन है, इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ, आप ये पेन सेल कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ साथ और भी लोग ये पेन सेल कर सकते हैं, आप ही की लिस्टिंग्स में ऐड हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट हर कोई सेल कर सकता है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो कि है आप खुद अपना ब्रांड बनाओ और प्रोडक्ट बेचो। सपोज करो ये पेन है, इसी के ऊपर आप अपना नाम लगाओ और इसको बेचो, तब इस पेन को और कोई नहीं बेच सकता आपके नाम से, आपकी लिस्टिंग्स में भी और कोई ऐड नहीं हो सकता। लेकिन अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको ट्रेडमार्क की ज़रूरत पड़ेगी। अब ट्रेडमार्क आपको कैसे मिलेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन आप करोगे ट्रेडमार्क का, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताऊंगा आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर, और फॉर्म भरकर खुद दिखाऊंगा कि आप कैसे ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आइए। दोस्तों, अब हम आ गए हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने google.com खोला हुआ है। आपको गूगल पे टाइप करना है आईपी ट्रेडमार्क। आईपी ट्रेडमार्क सर्च करने के बाद एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, जो पहली वेबसाइट है www.ipindia.nic.in, ट्रेडमार्क्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, आपको इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक कर दोगे तो एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जो भी आप ब्रांड अपना रजिस्टर करना चाहते हैं, जिस भी नाम से रजिस्टर करना चाहते हैं, वो किसी और का पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। तो ये हम कहाँ चेक कर सकते हैं, हमें जाना है पब्लिक सर्च पे। पब्लिक सर्च के बाद हमने यहाँ पे यस पे क्लिक किया। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पर। सपोज करो मैं हैंडबैग्स के लिए नाम रजिस्टर करना चाहता हूँ, एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, ट्रेडमार्क लेना चाहता हूँ। मैं नाम चूज करता हूँ बैग्स लो के नाम से, बैग्स लो। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ फिल करनी होती है, एक वर्ड मार्क यानी कि जो नाम है, और एक क्लास। अब बैग्स कौन सी क्लास में आते हैं ये हमें कैसे पता लगेगा, या आप जो भी आइटम सेल कर रहे हो उसकी कौन सी क्लास है ये आपको कैसे पता चलेगी। यहाँ पर ऊपर सबसे पहला ऑप्शन है क्लास डिटेल्स का, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं सर्च करता हूँ बैग्स, यहाँ पे सर्च पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी बैग्स की टर्म्स आ गई, बैग्स, टी बैग्स, शोल्डर बैग्स, सेल बैग्स, लगेज बैग्स, ट्रैवल बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स। तो ये देखिए जो मेरी बैग्स की कैटेगरी है वो 18 आ रही है, जो क्लास आ रही है वो 18 आ रही है। तो यहाँ पर हम वापस जाएंगे, यहाँ क्लास में 18 फिल कर देंगे। अब सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बैग्स लो के नाम से कोई भी नाम रजिस्टर्ड नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मैचिंग मार्क्स आ रहा है 0। तो हम इस नाम से अपना ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैं सर्च करता हूँ दूसरे नाम से बैग्स, मैंने इस पर क्लिक किया। सपोज करो मैं सर्च करता हूँ माई बैग्स के नाम से, मैं नाम रजिस्टर करना चाहता हूँ माई बैग्स, क्लास हमें पता ही है 18 है। अब सर्च पे क्लिक करता हूँ,
ये देखिए, ये माई बैग्स के नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो जैसे यहाँ पे कोई भी आ जाता है, ये इनके इमेजेस हैं, ये इनके लोगो हैं, ये इनका नाम है, तो आप माई बैग्स के नाम से अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप जो भी नाम रजिस्टर करना चाहते हैं पहले सर्च कर लो कि उस नाम से कोई और ने, किसी और ने रजिस्टर तो नहीं कर रखा। माई बैग्स के नाम से टोटल नंबर ऑफ मैचिंग मार्क्स 2 आ गए हैं, 2 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, तो आप इसको अवॉइड करें, इस नाम से रजिस्टर ना करें। तो अब आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कहाँ से करना है, अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पे क्विक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है फॉर्म एंड फीस का, इस पर क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं भरनी है इसमें। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। हमने इस पर क्लिक किया, जब इस पर क्लिक करोगे तो एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, ये देखिए। अगर आप फिज़िकली फाइल करते हो तो 5,000 रुपये इसकी फ़ीस है, और अगर ई फाइलिंग करते हो तो 4,500 रुपये इसकी फ़ीस है। जो पहला ऑप्शन आ रहा है TM, TM का मतलब ट्रेडमार्क ए, इसको हमें डाउनलोड करना है, PDF फाइल है ये। ये डाउनलोड हो गई, ये एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब ये फॉर्म हमें फिल करना है, टोटल 13 इसमें कॉलम्स हैं, सारे फिल नहीं करने आपको, मैं आपको फिल करके बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको फिल करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको ये सबमिट करना है जाकर। तो चलिए अब देखते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको फिल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ द एप्लीकेशन, यहां पर आपको डालना है स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क, ठीक है, जो यहां पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क वही आपको यहां पर डालना है। दूसरा पॉइंट है वेदर एप्लीकेशन फाइल्ड एस, यहां पर आपको फिल करना है इंडिविजुअल, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है ये आपको यहां पर फिल करना है। अब तीसरा कॉलम है एप्लीकेंट का, उससे ऊपर देख रहे हो एक फी का कॉलम भी है, यहां पर आपको डालना है 5,000 अगर आप फिजिकली जमा कर रहे हो, अगर आप ई फाइलिंग कर रहे हो तो आपको 4,500 यहां पर फिल करना है। अब थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेंट का, यहां पर आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद ट्रेडिंग एस का ऑप्शन है, इसको आप खाली छोड़ दोगे। इसके बाद यहां पर आपको आपका एड्रेस फिल करना है, जहां भी आप रहते हो, ठीक है, दिल्ली में रहते हो दिल्ली डाल देना, मुंबई में रहते हो मुंबई डाल देना, और लास्ट में इंडिया जरूर डालना है, ठीक है। इसके बाद एड्रेस फॉर सर्विस, इसको आप खाली छोड़ देना। इसके बाद आपको यहां पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। यहां पर आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। यहां पर नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, नेचर ऑफ द एप्लीकेंट में आपको डालना है आपका प्रोप्राइटर। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, ध्यान से देखते जाओ, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। उसके बाद एप्लीकेंट्स एजेंट, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हो ये, लेकिन हम तो नहीं करवा रहे, हम खुद कर रहे हैं, तो यहां पर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ये सब खाली छोड़ देना है आपको। इसके बाद ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क में जो आपने नाम चूज किया है, जैसे मैंने बैग्स लो चूज किया है तो बैग्स लो मैं डाल देता हूं, आपने जो चूज किया है आप वो डाल देना है। यहां पर कैटेगरी ऑफ मार्क, यहां पर आपको डालना है वर्ड मार्क, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द मार्क, यहां पर आपको नाम डालना है अपने ट्रेडमार्क का, बैग्स लो एस वर्ड मार्क, ठीक है, आप जो भी नाम चूज करोगे आप वो डाल देना, उसके बाद एस वर्ड मार्क। इसके बाद इफ मार्क इन अ लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, यहां पर मैं इंग्लिश डाल देता हूं, ठीक है ना, लैंग्वेज के कॉलम में डालना है आपको, ठीक है। ये पहला पेज हमारा पूरा हो गया, अब आते हैं दूसरे पेज पे।
क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस, जैसे कि हमने देखा था हमारी क्लास 18 थी, हमने 18 डाल दिया। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हमारे बैग्स था, आपकी जो भी कैटेगरी आप वो डाल देना, अगर सेम क्लास में कोई और भी आ रही है आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है ना। हमने यहां बैग्स डाल दिया। इसके बाद आपको पहले उस पर टिक करना है प्रपोज टू बी यूज्ड, ठीक है। उसके बाद आप 10th कॉलम जो है ये खाली छोड़ देना, 11th भी खाली छोड़ देना, 12th भी खाली छोड़ देना। लास्ट में आपको तीन चीज करनी है, अपने यहां पे साइन करने हैं, अपना नाम लिखना है और अथॉरिटी में डालना है आपको प्रॉप राइटर। बस ये अब आपका फॉर्म पूरा हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों अभी आपने देखा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना कितना सिंपल है। आपको 5,000 रुपए की फीस लगेगी जो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या भीम ऐप के थ्रू सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है फिजिकली फीस सबमिट करने का। इंडिया में 4 जगह सेंटर्स हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। आप यहां जाकर फिजिकली ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप फ्लिपकार्ट पे तो काम शुरू कर सकते हो लेकिन अमेज़ॉन पे नहीं कर सकते उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू। उस एप्लीकेशन नंबर का मतलब यह है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई तो आप किसी अकाउंटेंट से या किसी सीए से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता तो लग ही गया कि गवर्नमेंट फीस इसकी अगर आप ई फाइलिंग करते हो तो 4,500 रुपये है, अदरवाइज फिजिकल फाइलिंग करते हो तो 5,000 रुपये है। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी अकाउंटेंट से या सीए से करवाना चाहते हैं तो आपको उसको कितने पैसे एक्स्ट्रा देने हैं या वो कितने पैसे एक्स्ट्रा ले रहा है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।